यही डिजर्व करती हो। एक बार फिर दुश्मनों की चाल में फंस गई है इशिता। यूं तो इशिता हर किसी का भला चाहती है, सपने में भी वो किसी का बुरा नहीं सोच सकती है, लेकिन फिर भी हालात हमेशा ऐसे ही बन जाते हैं कि इशिता के ऊपर हर कोई उंगली उठा देता है। मिहिका ने मेरी अम्मा की इंसल्ट की काफी ज्यादा। उसने अम्मा पर वाइन का ग्लास, मतलब ग्लास तो नहीं फेंका पर पूरा वाइन उनके ऊपर, उनके मुंह पर गिरा दिया। सो इशिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। ऑब्वियसली कोई भी बेटी होगी तो अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती, तो इसीलिए इशिता गुस्से से तमतमाते हुए आई और उसने पूरी की पूरी वाइन की बॉटल उठाई और मिहिका के ऊपर डाल दी कि तुमने ऐसा किया तो दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व, और उस बात का किसी ने फायदा उठा लिया। एक माँ की बेइज्जती किसी भी बेटी को बर्दाश्त नहीं होती। इशिता ने भी पलट वार किया, उसी शैंपियन की बोतल को मिहिका पर उड़ेल दी। अब मौके का फायदा उठाया परम ने। शैंपियन गिरी हुई थी मिहिका की साड़ी पर और वहीं पर उसने माचिस की तीली फेंक दी। एक्चुअली क्या है ना कि परम पूरी कोशिश कर रहा है कि रमन और इशिता एक ना हो, अलग रहें, तो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि थोड़ा सा डराना ज़रूरी था लोगों को, तो इसलिए एक मौका मिला मुझे और मैंने चिंगारी दे दी। अब उसके बाद क्या होगा ये भी क्या आपको बताना पड़ेगा। रमन का गुस्सा इशिता पर भर भर कर बरसा। वैसे आपको बता दें कि मुंबई की फिल्म सिटी में आधी रात को यह है मोहब्बतें का ये सीन हो रहा था। आजकल मुंबई में भी ठंड बढ़ गई है, हर कोई ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन शूटिंग का असली मजा भी ले रहे थे ये सभी सितारे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।